हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप्स कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, तो मॉर्निंग का टाइम है और इस समय 10 बज रहे हैं। तो मैं ना ये बर्तन ना मैंने रात को जो धोए थे वो इसी में रखे थे, तो वो मैं ना लगा रही हूँ टेबल पे, क्योंकि मुझे अब मॉर्निंग के बर्तन धोने हैं तो वो भी मैं इसी में रखूँगी, क्योंकि पानी निकल जाता है ना इसमें, तो फिर मैं बर्तन लगा देती हूँ टेबल पे ही। तो सुबह के टाइम पे मैंने ना खाना वगैरह पैक करके सब हस्बैंड को दे दिया था, क्योंकि मैंने सुबह ही सब्जी और रोटी वगैरह सब बना ली थी। और इशू भी आज घर में ही है, बच्चों की छुट्टी है आज, आज सेकंड सैटरडे है ना, तो उसी की छुट्टी है, तो घर में हैं दोनों ही और उठ चुके हैं और उनका नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। तो मेरा नाश्ता नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मैं ना काम वगैरह करके नहाने के लिए जाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करके नाश्ता करूंगी। तो बस वही मैं काम निपटा रही थी यहाँ पे, तो बर्तन वगैरह रख के टेबल साफ़ कर दूंगी और उसके बाद बर्तन वगैरह धो के और फिर चली जाऊंगी, क्योंकि झाड़ू और पोछा वगैरह तो ईशु ने लगा दिया है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है उस दिन मेरी हेल्प करा देती है वो। और तो आज ना ईशु को वहाँ भी जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए, सेकंड डोज। उसने ना फर्स्ट डोज तो लगवा ली थी, तो इसीलिए मैंने उसको ना खाना वगैरह अच्छे से खिला दिया था, क्योंकि वैक्सीन लगाने से पहले ना पेट भरा होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर अब वो भी चली जाएगी तैयार वगैरह होके, तो और मैं भी अपना सारा काम करके फिर नाश्ता वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरी ना कई बार बोलते वक्त ना ये जबान लड़खड़ा जाती है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो बस अब ईशु जाने के लिए तैयार हो रही है, बाल बना रही है वो, नहाना धोना तो सब कर लिया था उसने, अब वो जा रही है। तो उसकी ना फ्रेंड आने वाली है, उसके साथ ना स्कूल में पढ़ती है, तो वो आ रही है वो भी, तो दोनों फ्रेंड मिलके जाएंगी। अगर उसकी फ्रेंड ना आती तो मैं जाती इसके साथ में, लेकिन उसकी फ्रेंड जा रही है तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, चली जाएगी। और मैं दिन का खाना वगैरह सब बना लूँगी तो आके उसे खिला दूँगी। और वो कह रही है कि मम्मी मैं जा रही हूँ, आप गेट बंद कर लो। और दिन में ना मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि मैंने ना सुबह जो सब्जी बनाई थी ना आलू सोयाबीन की, तो वो बच गई थी, काफ़ी बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि सब्जी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम तीनों ही हैं घर में, ऋषभ है और ईशु आ गई थी वैक्सीन लगवा के, और तो और मैं हूँ, तो हो जाता हम लोगों के लिए। तो मैंने फिर उसी सब्जी के साथ में चावल वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी।
और ये सब्जी ना सोयाबीन की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। और अब शाम का टाइम हो गया है तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया था। और ये ना दिन में मैं सो गई थी तो गर्मियाँ मतलब सर्दी तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन फिर भी ना सोते वक्त थोड़ी हल्की ठंड लगती है। वैसे तो पंखा चला देते हम लोग तो हल्की ठंड लगती है, तो सोते वक्त मैं ना ये पतला सा ना कंबल ले लेती हूँ। तो रात तो मैं दिन में ना थोड़ा सो गई थी कुछ देर के लिए, तो वही मैंने कंबल ओढ़ के सोई थी, तो इसीलिए फिर वही कंबल में तह लगा रही हूँ। और कुछ कपड़े सुबह के टाइम धोए थे तो वही कपड़े वो साइड में पड़े हैं तो हाथ से ही धोए थे, थोड़े से ही धोने थे तो इसीलिए, और फिर उन सबको तह लगा के रख दूँगी। और सारे सर्दियों के सारे कपड़े तो मैंने सब रख दिए हैं बक्से के अंदर, लेकिन थोड़े बहुत मैंने बाहर रखे हुए क्योंकि ना सुबह के टाइम मुझे जल्दी उठना होता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ठंड सी लगती है। और आपको पता ही है मेरे घर के बाहर ना एक छत है तो और ऊपर कमरा है तो फिर ठंडी ठंडी हवा आती ही है, इसीलिए मैंने थोड़े बहुत कपड़े निकाल के रखे हैं जो बच्चे भी सुबह के टाइम उठते हैं जल्दी तो पहन लेते हैं और मैं भी पहन लेती हूँ। बाकी दिन में तो बिल्कुल भी वो नहीं है सर्दी, क्योंकि ना देखिए धूप ना मेरे घर के अंदर ही आ जाती है शाम के टाइम पे, ये दीवार पे जो रोशनी सी आ रही है ना ये धूप आ रही है बाहर से, बिल्कुल अंदर ही कमरे में आती है धूप। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े मैं तय कर लूँगी, और बच्चे ना बाहर ना खेल रहे हैं तो बड़े मतलब बहुत दंगा कर रहे हैं, और वॉइस ओवर करते समय आपको शायद से आवाज़ आ रही होगी। और ये सारे कपड़े तय करके रख दूँगी और उसके बाद फिर शाम की तैयारी करूँगी क्या बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग, और मुझे आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पूरा दिन बीत चुका है और शाम का टाइम हो गया है और 7 बज चुके हैं, तो अब मुझे जाना है डिनर बनाने के लिए। और आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे, सैटरडे को वो जल्दी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कमी लगती है तो मुझे बताइए, मुझे सजेशन दीजिए, क्योंकि सजेशन मिलेगा तो फिर मैं भी अपनी वीडियो में सुधार करूंगी या मैं इसी तरह की वीडियो बनाती रहूं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।